ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज इयान चैपल से जब पूछा गया कि अगर वो इंडियन बैटिंग की बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर की जोड़ी में से वो किस जोड़ी को बेहतर मानते हैं, जिसके बाद इयान चैपल इस सवाल का जवाब देने में बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं दिखाई दिए और उन्होंने साफ कह दिया कि बेशक आप कह सकते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी उन दोनों से ज़्यादा रन बना रही है और अच्छा खेल रही है, लेकिन आप इस बात से भी मुंह नहीं फेर सकते कि जो सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी थी उसमें कोई कम दम नहीं था। वो बेहद ही बेहतरीन बल्लेबाज थे और जिस वक्त वो बल्लेबाजी करते थे उनको देखते हुए मज़ा भी आता था। और आप इस बात से भी परहेज नहीं कर सकते कि जो सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने बॉलर्स फेस किए उनकी क्वालिटी बेहतर थी जो विराट कोहली और रोहित शर्मा फेस कर रहे हैं। उस वक्त पिचेस की क्वालिटी भी बेहतर थी और जो फील्डिंग के रूल थे वो भी बॉलर्स के हक में थे, लेकिन अब बल्लेबाजों के हक में ज़्यादा रूल है। उन्होंने हालांकि उन्होंने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा असाधारण खेल दिखा रहे हैं और इसका क्रेडिट उनसे नहीं छीना जा सकता, लेकिन उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के साथ, क्योंकि जिस वक्त उस वक्त के बल्लेबाज खेले उस वक्त रूल्स बॉलरों के हक में थे, फील्डर पांच रहते थे 30 गज के घेरे के बाहर और साथ ही साथ बॉलर्स की क्वालिटी अच्छी थी और बॉलिंग फ्रेंडली विकेट भी मिलती थी। लेकिन अब हम देखते हैं बॉलिंग फ्रेंडली विकेट कभी 10 वनडे में से एक वनडे में देखने को मिल जाती है, जैसे कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में देखने को मिली थी जहां पर इंडिया का डब्बा गोल हो गया था। खैर, हम तो यही चाहते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली सारे रिकॉर्ड तोड़ें, सचिन तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड दोनों तोड़ें और आगे जाएँ, क्योंकि रिकॉर्ड तो बने ही टूटने के लिए होते हैं। सचिन तेंदुलकर ने सुनील गावस्कर जी के तोड़े, सुनील गावस्कर जी ने तो खैर अपने ही रिकॉर्ड बनाए, और अब इस बात में कोई ज नहीं होगा भारतीय क्रिकेट फैंस को अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही कम से कम वनडे में सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाएं और टॉप 3 में जो 3 नाम हो वो इंडियंस के हो, भला इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।